हेलो। हेलो। और भाई कैसा है? बढ़िया। क्यों हाँ मैं बढ़िया। बोल, तूने फोन क्यों किया? क्यों किया है? अरे ऐसे ही कर लिया भाई, है तू अपना यार। और बता ठीक हूँ मैं भाई, तू बता। अबे और बता फोन रखना। और बता। सॉरी। हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका हमारे चैनल टेक मशीन में एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि इसमें लिखा था कि नॉन वोल्टी फोन को वोल्टी में कैसे कन्वर्ट करें, तो एक बात आपको पहले बता दूं, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ जूजरे का फोन पर लागू होगा। तो जो भी यूजर्स हैं जिनके पास जूजरे का नहीं है और वो यहाँ पर अपने फोन को वोल्टी बनाने हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो ना देखें। आपका फोन में कुछ खराबी हो जाएगी या फिर आप मेरे को बोलते हो फेक है तू, तेरी औकात क्या है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ जुरेका वाले ही इस प्रोसेस को फॉलो करें। तो इस प्रोसेस को पूरा देखिएगा, पूरा देखेंगे जब आपको समझ आ जाएगा चीज़ें, तब इसको अपने फ़ोन पर लागू कीजिएगा। आपका फ़ोन वोल्टी सपोर्ट करेगा। मैंने लास्ट में प्रूफ भी दिया है कि वोल्टी कैसे सपोर्ट हो रहा है, इसमें अंदर कैसे वोल्टी से हम कॉलिंग कर सकते हैं जियो 4G से। तो चलिए देखते हैं, देखें। तो चलिए गाइस, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं HD साइन मेरे जियो सिग्नल के ऊपर। अब आपको थोड़ा बहुत पता लग गया होगा कि मेरी जियो सिम वोल्टी पर चल रही है। यहाँ भी आप HD साइन देख सकते हैं। तो यहाँ आपने साइन देख लिया, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। हालाँकि मैं प्रोसेस अपने फ़ोन में कर चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये दो फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों फाइल है, एक है रोम और दूसरा है वोल्टी मोडेम। ये आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, कुछ 800 MB के करीब की दोनों फाइलें हैं। टोटल MB 800 है। तो आपको फिर आपको रिकवरी मोड में बूट करना पड़ेगा, रिकवरी मोड में जाना पड़ेगा। या तो आप जा सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप स्विच ऑफ करके फ़ोन को वॉल्यूम दोनों वॉल्यूम के बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस कीजिए, आप रिकवरी मोड में जाएंगे। तो रिकवरी मोड में जाने के बाद आपको सारा डेटा वाइप करना पड़ेगा। डेटा में क्या क्या आपको वाइप करना है, एक डेल्विक कैशे आपको वाइप करना है, सिस्टम वाइप करना है, डेटा वाइप करना है और कैशे, ये आप देख रहे हैं जिस जिस पर मैं निशान लगाता हूँ, वो सब चीज़ आपको वाइप कर देनी है। हाँ एक बात कि आपके फ़ोन में TWRP रिकवरी होनी चाहिए। अगर आपके ने ये रिकवरी नहीं डाली है तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन के लिंक में ये आपको मिल जाएगा कि ऐसे आप रिकवरी डाल सकते हैं। तो ये वाइप करने के बाद आपको ये दोनों जो फाइलें थी वो इंस्टॉल करनी होगी। इंस्टॉल करने के लिए आपको उस लोकेशन पे जाना होगा जहां आपने ये फाइल सेव करी है। तो यहां पर आप, जैसे कि मैंने ये दोनों फाइलें खोलता हूं, तो सबसे पहले आपको एक क्वार्क OS नाम की फाइल है, इसको इंस्टॉल करना होगा। इस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे तो आपको एक स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश आ रहा होगा, इसको स्वाइप कीजिए तो फ्लैश हो जाएगा। और फिर बैक जाइए और दूसरी फाइल है यूरेका वोल्टी मोडम, इसको सेलेक्ट कीजिएगा और सेम प्रोसेस नीचे से स्वाइप कीजिए, इसको भी फ्लैश कर दीजिए। तो जब यह सब पूरा हो जाए प्रोसेस, तो आपको बैक जाना है और अपने फ़ोन को रिबूट करना है, रिस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट करेंगे, सिस्टम पे क्लिक कीजिए, रीस्टार्ट सिस्टम। तो यहाँ हम फोन को रीस्टार्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो अगर जो आपका पहला फर्स्ट बूट होगा वो थोड़ा टाइम ले सकता है, 10-15 मिनट का, लेकिन ये मैं कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे में रिलायंस जियो HD लिखा गया है, और जब हम पास में देखेंगे तो आपको यहाँ वोल्टी नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ। आप देख सकते हैं ये फ़ोन अब वोल्टी सपोर्ट करने लग गया है। यहाँ भी LTE के साथ में HD लिखा आ रहा है। तो नाउ आपका फ़ोन, जुरे का फ़ोन वोल्टी सपोर्टेड है। मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ। कॉल हम करेंगे 198 पर, इसका नंबर है जियो का। तो आप देख सकते हैं कॉलिंग वाया जियो 4G, और ये सिंपल वोल्ट से बिना किसी जियो 4G वॉइस ऐप के यहाँ सर कॉलिंग हो रही है। तो दिस इज़ द प्रूफ मैन, सो ये प्रूफ है। सो दोस्तों, अगर ये रोम है, रोम भी बहुत अच्छी है, इस रोम का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, इसके फीचर्स दिखाने के लिए। काफ़ी अच्छी रोम है, एकदम स्टेबल है, स्मूथ है।
सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर भी आप भी अपना फ़ोन वोल्टी बनाना चाहते हैं तो एक एक स्टेप केयरफुली फॉलो कीजिए, और या गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ रोज़ ऐसी नई टेक, रोज़ तो नहीं अब से हफ्ते में 3 दिन लाता हूँ। तो बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।